बिहार का जनता ये चाह रहा है कि इस बार हम बीजेपी को हरा करके ही दम लेंगे। मोदी इतना बड़ा झूठ है कि सब पूरे हिंदुस्तान का आदमी जान रहा है। सबसे बढ़िया लालू यादव है, उनके लड़का को हम लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे। इनको तो यही दिखाई पड़ता है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम बेगूसराय के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ बिहार के आवाम हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कि इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। जी बताइए, नीतीश कुमार की पार्टी के बनाएंगे या लालू प्रसाद यादव की पार्टी से बनाएंगे? लालू। क्यों बनाइएगा? बढ़िया काम करेगा। क्या काम करेगा? जो काम होगा वही करेगा जो पब्लिक को सुविधा हो। अच्छा, पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? मिल रहा है। तो फिर सरकार से खुश है ना खुश है? ना खुश, एक सरकार से बहुत ना खुश है। क्यों ना खुश है, क्या वजह है? इसलिए कि इनका काम सही नहीं होता। जी बताइए, आप बताइए। ये जो है, जो भी बहुत सा वृद्धा पेंशन का जो है ये रोक दिए और उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं किए। बहुत ऐसा चीज़ है, गरीब के लिए बहुत दिक्कत है इनसे। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि सही से नहीं कोई काम होता है। हाँ, सही कोई काम नहीं करते हैं ये। इस बार किसको लाएंगे बिहार में? हम लाएंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? हाँ। अच्छा, क्यों लाइएगा उनको? इसलिए कि काम अच्छा करेंगे, उनका पिता भी अच्छे काम किया था। हाँ, लेकिन उनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं। आरोप लगने से क्या होगा, उनको फंसाया गया, फंसाने से कुछ नहीं ना होगा भाई। मगर जनता तो नहीं फंसाया उनको, राजनीतिक में फंसाया गया है। मगर सबसे बढ़िया लालू यादव है, उनके लड़का को हम लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे। अच्छा, हाँ चलिए, इनका कहना है कि इस बार जो है बिहार में तेजस्वी यादव को लाएंगे, और भी लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, इस बार बिहार में किसको बनाइएगा? तेजस्वी आएंगे इस बार, निश्चित आएगा। अच्छा, क्यों लाइएगा? क्यों लाएंगे कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ में है, और बीजेपी खास मोदी इतना बड़ा झूठ है कि सब पूरे हिंदुस्तान का आदमी जान रहा है। आप देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि हर खाता पर हम 15 लाख रुपया देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ आदमी का नौकरी देंगे। अभी तक आप देखें कि है सरजमीन तो उतरा है। इसलिए बिहार का जनता ये चाह रहा है कि इस बार हम बीजेपी को हरा करके ही दम लेंगे, और हरा देगा इस बार, निश्चित हराएगा। अच्छा, ये मेरा विश्वास आत्म कह रहा है। ऐसा क्या काम किया है जो उससे आप ना खुश हैं? आपको पिछले बताए सो ना खुश, वो नौकरी वाला बात आप ले लीजिए, 15 करोड़ रुपया वाला बात ले लीजिए, मजदूर को देखिए परेशानी कितना है, देश किधर जा रहा है। आप लोग देश पर ध्यान दीजिए, आपको भी हम कह रहे हैं, जिस ओर जो सरकार जा रहा है आप उसको बखान कीजिए कि फलना तरफ जा रहा है, फलना काम करने से फलना काम अच्छा होता, ये जनता के ये लोग, आप भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आपको पेंशन मिल रही है? हाँ मिल रहा है। तो फिर सरकार से खुश होना चाहिए ना? खुश तो ये आज का है, ये तो कांग्रेस राजीव गांधी या के वक्त से आ रहा है, उसी में कोई तब्दील तो नहीं किए हैं ये वृद्धा पेंशन में, जितना सब दिन मिल रहा उतना ही मिला। हाँ, पहले 200 मिल रहा था, अभी 400 मिल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इन कामों को कर पाएंगे जो आप चाहते हैं? निश्चित, हमारा उम्मीद तो लग रहा है कि ऐसा नौजवान है, बुद्धिजीवी है, कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा, और हर आदमी को मौका देना चाहिए जनता को। मैं बिहार जनता से भी कहता हूँ कि एक बार तेजस्वी को मौका दे करके मुख्यमंत्री बना के देख लें कि क्या करता है। लेकिन उनकी पार्टी को 15 साल मौका दिया, 15 साल जो गया सो गया, अब जो है 15 साल भी मिला जुला को ठीक है किया, मजदूर के लिए अच्छा काम किया, शुद्धरों के लिए अच्छा काम किया है, वो कम से कम इतना तो किया न कि मजदूर को या छोटे जात को आवाज़ को बुलंद लल्लुए किया, ये आपको मानना पड़ेगा। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार RJD की तरफ जाएगा? निश्चित जाएगा, क्योंकि मजबूरी है मुस्लिम वोटरों को कि अगर हम नीतीश को देते हैं तो BJP आता है, नीतीश और BJP में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारा उम्मीद है मुसलमान वोटर निश्चित रूप से तेजस्वी को देगा। इससे पहले भी दिया था? इससे पहले दिया था, नहीं दिया था वो, इससे पहले भी उस चुनाव में भी तेजस्वी को लोगों ने दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा फूट डाल करके
हमारे नीतीश जी चले गए थे बीजेपी के साथ में, कहीं फिर ऐसा ना हो। जनता तो ऐसा नहीं करेगा, हो सके नहीं, जनता तो नहीं करती है ना, लेकिन जो नेता लोग हैं वो करते हैं। हाँ नेता लोग हैं करते हैं, लेकिन अभी तो नीतीश है नहीं, अब दूसरे पार्टी हैं, ये लोग तो निश्चित रूप से उनके साथ में रहेंगे। छोटा छोटा पार्टी है, कांग्रेस भी कहीं जा नहीं सकते हैं, वाम दल भी मिला जुला करके तेजस्वी के साथ आ गया है, इसलिए उम्मीद है कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा कितने सीट ला पाएंगे टोटल, ये हम नहीं कह सकते, ये जनता ने कहेगा कितना सीट लाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भी लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी बताइए, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनाएंगे? इस बार तेजस्वी यादव का सरकार होगा, इस बार तेजस्वी सरकार का होगा। क्यों? क्योंकि हम नीतीश को अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए, क्योंकि बीजेपी में चला गया है। हम लोग मजदूर क्लास का लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, बेगूसराय में जाते हैं रिक्शा चलाते हैं। अभी नीतीश का सरकार चल रहा है, वहाँ मारपीट करता है, तोड़फोड़ करता है, बहुत सारा गाड़ी को तोड़ दिया, मजदूर को मारता है, जैसे पुलिस उसको छूट दे रखा है, इसलिए हम उसको सरकार नहीं मानते हैं। इस बार होगा तेजस्वी, लालू का बेटा ही होगा सरकार। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो ये सब चीज़ नहीं होगा जो आपके? हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम फुल एंड फाइनल करते हैं। आज से बहुत तकरीबन हमारे लगभग जन्म होगा, 8-9 साल का थे उस समय लालू का सरकार चल रहा है, ये सब नहीं हो रहा था, जाति विवाद नहीं हो रहा था। अभी जाति विवाद होता है, मजदूर का जैसे मारता है पीटता है, कोई ट्रैफिक पर रिक्शा लगाने के लिए नहीं देता है, बहुत सारी घटना कर रहा है। हम लोग मजदूर, हम लोग का चूल्हा नहीं जल रहा है, ठीक से कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं रिक्शा चलाने वाले लोग, इसलिए नीतीश सरकार से हम खुश नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा है लॉकडाउन टूट गया, लेकिन यहाँ अभी तक लॉकडाउन बोल रहा है, ये है जो भी कर रहा है, मजदूर पे बहुत अत्याचार कर रहा है नीतीश का सरकार। आप मानते हैं कि कोरोना वायरस है? कोरोना वायरस हम नहीं मानते हैं, मजदूर क्या, कोरोना वायरस तो है ही है, लेकिन उससे पहले आदमी जिसको घर में चूल्हा नहीं जा रहा वो तो कोरोना वायरस से पहले ही मर जाएगा ना, जिसके पास खाने का उपाय नहीं है वो क्या करेगा, कोरोना वायरस को देखेगा क्या, जाएगा मेहनत मजदूर करने के लिए 200 रुपया लाएंगे तो बाल बच्चा खाएंगे, आप ही बताइए। इसलिए हम नीतीश सरकार को नहीं मानते, इस बार लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव आएगा और वो अच्छा संविधान में रहेगा और चलाएगा देश को भी बढ़िया से। अच्छा क्या नाम है आपका? एमडी फिरोज। चलिए हम एक एक करके हम पूछ रहे हैं और भी लोगों से हम पूछते हैं कि जी बताइए इस बार आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग लालू को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं, ये सरकार नहीं है, अच्छा ये गरीब के लिए नहीं है सरकार, ये पूंजीपति वाला के लिए सरकार है, ये पूंजीपति वाला के लिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कहता है लॉकडाउन लॉकडाउन, यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा, यहाँ हम लोग रिक्शा चला के जीते हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, वो 5 किलो दाना देता क्या, उसी से हमारा ज़िंदगी कट रहा है बाल बच्चा, उससे क्या होने वाला है। इसलिए हम लोग लालू को चाहते हैं, जैसे ये महीना भी नहीं है मिला है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, गरीब आदमी को टहलाते रहता है, गरीब आदमी के पीठ पर कौन बोलने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं, सब आजकल ये जमाना में बड़का लोग को पूंजीपति वाला के साथ देता है, गरीब को कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रहा है ये सरकार, इसलिए हम लोग ये सरकार नहीं चाहिए। चलिए इन्होंने कहा कि इस बार इसको जो मौजूदा वक्त है बिहार के सरकार वो नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहते हैं बिहार में कि कुछ अलग हो, और भी लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार चाहे जिसका हो, हम लोग के यहाँ जो है ग्राम पंचायत पूरे पंचायतें में रखिए कि जल जमाव रहता है, इसका निकास का कहीं कोई जगह है नहीं, थोड़ा सा पानी पड़ जाता है गांव में पानी कीचड़ ढेर हो जाता, साथ साथ पंचायत स्तर के आदमी हैं, हम लोग को सरकार ये वादा किया था कि आप लोग का वेतन फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन कह दिया पास हो गया, हम लोग को अभी तक नहीं कुछ मिला, जो 500 रुपया जो है मिल रहा भत्ता ये वही मिल रहा है, उसके अलावा नहीं, सरकार ही पर ध्यान कहाँ देती है विकास पर, इनको तो यही दिखाई पड़ता है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा तो दूसरा कोई कार्य नज़र नहीं आता, और जो भी है वो तो पहले से क्या हुआ है कार्य उसी को ही चला रहे हैं, और क्या बोलें। इनका कहना है कि जो सरकार कर रही है सिर्फ पैसे उगाही का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दा है उस पर काम नहीं हो रहा है, तो और भी लोग हैं इनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी बताइए इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो महागठबंधन की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए?
इसलिए कि हम लोग विश्वास करके एक मरतबा वोट दिए थे, गठबंधन बना था नीतीश कुमार का, और हम लोगों के साथ धोखा हुआ, और वो बोल रहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे, और वो आज भाजपा की गोद में जाके बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जितना भी पार्टी है, हम MIM के समर्थक हैं, MIM के चाहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जितना भी विपक्ष पार्टी है, NDA के विरोधी, सब एक साथ महागठबंधन में आए और BJP और नीतीश कुमार का पत्ता साफ किया जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको लगता है कि MIM से गठबंधन करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो फिर चुनाव तो वो लड़ेंगे, अकेले भी लड़ना पड़ेगा, वो लड़ेंगे अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो BJP का बी टीम है। ये BJP का बी टीम, सी टीम, ये तो खैर चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं, इल्ज़ाम रुकने वाला नहीं, इल्ज़ाम हर समय लगा है, हर किसी के ऊपर लगा है और ये इल्ज़ाम लगता रहेगा, इसलिए कि इल्ज़ाम लगने से MIM पीछे हटने वाली नहीं पार्टी है। वो इल्ज़ाम जो लगाना है विरोधी पार्टी को लगाए, जितना पेपर स्याह करना है, काला करना है, झूठ लिखना है, लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है यहाँ पे एक MIM के समर्थक मिल गए हैं, और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, शर्माइए नहीं, आगे आइए। इस बार किसको, किसकी सरकार चाहते हैं? आइए इधर, शर्माइए नहीं। हम तेजस्वी यादव को क्यों चाहते हैं? चाहते हैं, वो अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, काम करेगा बढ़िया। नीतीश कुमार भी तो बहुत बिल्कुल खराब है। अच्छा, वो दल बदलू सरकार है ये। हाँ, कभी इधर रहेगा, कभी इधर पलटी मारता है, कभी उधर पलटी मारता है। अच्छा, जीता है हम लोग महागठबंधन में मिल के हम लोग जीता है उसको, कि लालू के साथ रहेगा, पार्टी बदल दिया, साला कुर्सी बदल के लेके भाग गया उधर। अच्छा, चला बीजेपी। कोरोना काल में सरकार की तरफ से कोई सुविधा वगैरह मिली आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। सरकार से खुश है? ना खुश है। अच्छा, नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए काम किया है उसमें 10 में से कितना नंबर देंगे आप? कुछ नहीं, 0/0, कुछ नहीं काम दीजिएगा। इनका कहना है कि 0/0 दीजिए, दे रहे हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।